किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आइए नाजिन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आसपंडू को लेकर है। आसपंडू किसे कहते हैं शायद लोग भूल गए होंगे या तो फिर आज की जनरेशन भूल गई होगी। आसपंडू उसे कहते हैं जब आपके आंख के ऊपर एक गोमड़ा आ जाता है, इतना बड़ा गोमड़ा आ जाता है आंख के ऊपर, तो उसको आसपंडू कहते थे हमारे बचपन में। अब वैसे आसपंडू दिख नहीं रहे हैं, लेकिन लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट को आसपंडू हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोग को जो है ज़मीन देकर फिर उनसे छीना जा रहा है। अब साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि इन्होंने आसपंडू दिखाया है आवाम को। तफसीलात हम आपको बताते चले। सर्वे नंबर 30 में एजाज बेगम वाइफ ऑफ नन्हे मियां होटल वाले की 2 एकड़ जमीन जो 1998 में मास्टर प्लान में होटल टूटने पर प्रोटेस्ट किया गया था, जिन्हें पुलिस कस्टडी में लॉकअप में डेथ होने से उन्हें 2 एकड़ लैंड दी गई थी, अब वो जमीन गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, यानी उन्हें धोखा देकर वहां की जमीन से हटा दिया गया विदाउट नोटिस। कोई नोटिस भी नहीं दी गई, कोई इतला भी नहीं दी गई। अब वो लोग MLA और गवर्नमेंट अथॉरिटी से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें उनकी ज़मीन वापस दिला दी जाए। अब कैसा वापस मिलेगी, जब एक बार हुकूमत की नीयत ख़राब हो जाती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं, या तो फिर मीडिया के सामने आकर आप तफसीलात बता सकते हैं। हम आवाम को ये तफसीलात बता सकते हैं, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी ताकत से कौन लड़ेगा। ये मेरी फैमिली है, हम लोग जब हमारे वालिद साहब को जब लॉक अपडेट में इंतकाल हो गया था, जब हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन मिली थी 2 एकड़, तो वो 2 एकड़ पे जो है सो हमारा नाम नहीं आ रहा। 2017 तक हमारा नाम था, अब 2017 के बाद टोटा राम हूँ, उसकी वाइफ का नाम जो है सो नीली नीवल का नाम है, वो 2 एकड़ हमारी जो ज़मीन दिए थे उसके ऊपर जो है सो उनका नाम आ रहा था, तो उसी की वजह से वो सिलसिले में जो है हम MRO के पास आ रहे जा रहे, 8 दिन 15 दिन 2 दिन 4 दिन का ऐसे जो है सो MRO साहब टाइम दे रहे हमको, और आज जो है सो और 2 दिन का टाइम दिए हम आपको, 2 दिन के बाद आओ बोलते करेंगे बोल के बोल रहे, देखेंगे अब 2 दिन के बाद और आएंगे हम जो है सो बहुत जो है सो चकरा काट रहे MRO साहब के, अभी और 2 दिन का टाइम दिए। अब ये ज़मीन जो है सो ये ज़मीन हमको जो है सो नारायण राव पटेल के जब MLA थे उन्होंने उनकी तरफ से जो हमको ये मिला था, दिए थे उन्होंने, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, हमारे इंसाफ होना हमारी ज़मीन हमारे को मिलना। हमारे पास पूरे सर्टिफिकेट्स है, पट्टा है, सर्टिफिकेट्स है, पानी की नकल है, सब है हमारे पास, लेकिन जो सो हमारा जो इंसाफ नहीं मिल रहा हमको, हमें इंसाफ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए हमें। अब ये MRO साहब जो है 2 दिन का टाइम बोले, देखेंगे अगर 2 दिन तक हुआ तो देखेंगे, और उसके बाद बड़ा से बड़े एहतजाज करने वाले हैं हम लोग, अगर हमको 2 दिन के अंदर कुछ हल नहीं हुआ हमारा मसला तो और 2 दिन के बाद हम जो है और आएंगे एहतजाज करेंगे। हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमको हमारी ज़मीन हमको चाहिए। नारायण राव पटेल साहब जब दिए थे जो है सो, जबकि फोटो है, ये पूरे प्रूफ है हमारे पास, इंसाफ हमको कहीं नहीं मिल रहा। बस हद बदन ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। जा रहे हैं आजकल, आजकल ही चला दे रहे, दिलचस्पी ले रहे नहीं, उनका हुआ तो अंदरून कर लेते, हमारा हुआ तो इंसाफ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम किस तरीके से जो है बच्चों को पाल के परवरिश करके जिंदगी गुजारे होंगे, बच्चों की शादियाँ करे, कर्ज हो गया, हमारे दुनिया की परेशानी हो गई, मकान बनाते बोले बोर डाल के देते बोले, रहने को बराबर मकान नहीं है हमारे को, तो ये कहाँ की इंसाफी है, ये हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारी जमीन हमारे को होना, खाली जो है सो नहीं दिए सो है हमारे आदमी की जान जाने के बाद मिली सो है हमारे को, हम कुछ फुकट नहीं लिए सो है, इसी कुछ डाल लिए सो नहीं है, हम हमारा है हमारे को होना, बच्चे हैं हमारे पूरे बच्चे हैं जो है पूरा परिवार आया हुआ है, उसके नाम पे आदि के अब उसके नाम पे आदि कैसे टूटे रहो के नाम पे, ये जमीन कैसे आ जाती हमारी, जब होने के बाद हमारे पास पूरे कागजात रहने के बाद, हमारे पास पूरे प्रूफ रहने के बाद, अचानक कुछ के नाम पे जमीन कैसे होती, हमारा निकाल के उनका डालते करते, ये नो डालते उन्हों डालते, तो हम किधर जाना हमारे को बताओ ना, हमारा
सर्वे नंबर 30 में जो तो हमारी जमीन है, वो जमीन हमारी कहाँ है, हमारे को जो से इंसाफ होना, हमारे को जमीन मिलना। विठल रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश है कि जो जो नाम आया, जो टोटा रामू और उसकी वाइफ का नाम जो आया, वो आपका ख़ास आदमी है साहब। आप जो सो इसके बारे में मालूमात करके हमें इंसाफ हमारी ज़मीन हमको दिलाइए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको जो सो इंसाफ से फैसला कीजिए आप। इसके अच्छे से अच्छी तहकीकात कराइए विठल रेड्डी साहब, और जो सो जिस इसका नाम कैसा आया और इसके ऊपर कौन करे, उसके ऊपर एक्शन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो सो हमें जब लॉकअप डेट हुए थे उन्होंने भी, तो जब उनको जो सो 5 एकड़ ज़मीन दिए थे, तो उन्होंने जो सो वो ज़मीन बेच लिए, प्लाटिंग बना लिए, सब कर लिए, बेच लिए उन्होंने। अब हमको 2 एकड़ दिए, तो वो ज़मीन हमसे खींच लिए, हमको कुछ मुआवजा भी नहीं आया, कुछ नोटिस भी जारी नहीं हुई हमको, बगैर बोले कि हमको ये काम हो गया, जबकि उसकी ज़मीन जो है नहीं खींचे, नहीं वापस नहीं लिए, तो हमारी ज़मीन कैसा वापस ले लेते। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बेवा औरत, किस तरीके से जो है सो करना, कर्जा हो गया, हमारे को दुनिया की परेशानी चल रही, जबकि उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो उनको 5 एकड़ दे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।